हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची और जैसा कि आपको पता है कि मैं अलग अलग टाइप की वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो आज मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ टेक्सचर आर्ट की वीडियो। एक और इससे पहले भी मैंने एक और की है, वो मैं ट्यूटोरियल दे रही थी एक्चुअली में स्टूडेंट्स को जो सिखा रही थी, बट ये मैंने अपने लिए बनाई थी और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे हम। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जो कि बेसिकली टेक्सचर आर्ट के ट्यूटोरियल पर ही है। कई बार मेरे मुँह से स्किप हो जाते हैं वर्ड्स, तो उसको माइंड मत करना प्लीज़। और चलो शुरू करते हैं अपनी पेंटिंग करनी, जो भी हमें बनाना है टेक्सचर आर्ट में, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है MDF बोर्ड, जिसको मैंने वाइट कलर करके पहले से रखा हुआ था। अब मैं इस पर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैं लीव्स वगैरह बना के सोच रही थी, तो मैंने बना लिया, बट फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी तरीके के फ्लावर्स बना सकते हैं, एज़ योर चॉइस। इसमें मैं बहुत ही ईजी वे आपको दिखा रही हूँ टेक्सचर आर्ट का, जो कि कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी क्राफ्ट के लिए आइटम एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे पास ग्लू गन होती है, उसको मैंने पहले से हॉट करके रख लिया है। अब मैं जहाँ पे भी मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था फ्लावर का, उसके ऊपर मैं ग्लू गन से इस तरीके से अपनी फ्लावर को ड्रॉ कर लूँगी, तो एक बेस बन जाएगा आउटर लाइन का, जैसे कि हमने किसी चीज़ से टेक्सचर दिया हो। तो उससे क्या है, ये जो फ्लावर हैं बहुत ही ऊपर की तरफ आपको 3D पेंटिंग की तरह लगेंगे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी हम पहले पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोई भी बेस ले सकते हैं इसमें, आइदर कैनवास बोर्ड हो, MDF हो, या फिर कोई कार्डबोर्ड के ऊपर आप जेसू या वॉल पुटी लगा के जो बोर्ड बनाते हैं, उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास वेस्ट ही पड़ा हुआ था, जब मेरे पड़ोस में काम हुआ था तो मैंने ये एक्स्ट्रा बोर्ड सारे ले लिए थे MDF के उनसे, तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे रखे हैं, बट उनकी कटिंग नहीं हो पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रही हूँ अभी। आगे भी वीडियोस में मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये इस तरीके से हम सारे फ्लावर और जो भी लीव्स वगैरह हैं वो अपनी बना लेंगे। तो ये मेरा लगभग कंप्लीट सा होने वाला है। आप ग्लू गन को ऑन ही रखें, अदरवाइज़ क्या है, ये टाइट हो जाएगी तो फिर अच्छे से चलती नहीं है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे थ्रेड निकलते रहते हैं, तो उसको मैं बार बार नाइफ्स की हेल्प से कट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हमारा निकल गया है ग्लू गन में से, जो ग्लू निकला है, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब हम वॉल पुट्टी फेविकॉल वाटर के मिक्सर से ऐसा थिक मिक्सर बना लेंगे, और यहाँ पे साइड में जो स्पेस बचा है उसको हम एक टेक्सचर दे देंगे। तो ये मैंने रफ़ टेक्सचर दिया है, जिसके लिए मैंने नाइफ और अपना पोटैटो मैशर सब कुछ यूज़ करके देखा। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं ये में क्या कर रही हूँ। फिर आप चाहें तो इसको कोई और, आपको अगर पैटर्न अच्छा लगता है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी बन चुका है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद मैं इसमें वाइट कलर कर लूँगी सभी जगह पे, क्योंकि मेरा एक लीफ का पैटर्न भी पहले से बना हुआ था, तो दिख रहा है इसमें। तो अभी मैं इस पर पूरे में वाइट बेस दे दूँगी, और फिर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए हो जाएगा रेडी। तो मैंने यहाँ पे अभी फ्लावर ही ड्रॉ किए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी किस टाइप की लीव्स बनाऊँ। तो अभी हम पहले फ्लावर को कलर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये पिंकिश कलर लिया है, थोड़ा ये बना बनाया आता है एक्रेलिक कलर्स में। तो ये मैंने वाइट और ये कलर का कॉम्बिनेशन मिला के इस तरीके से मैं फ़्लावर को पेंट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कलरफुल भी बना सकते हैं फ्लावर्स, या फिर जो भी पेंटिंग बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कलर चॉइस का ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही इजी पेंटिंग करी है। मैं बहुत बड़ी पेंटर नहीं हूँ, तो मैं इजी वे ही दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से शेडेड दिया है। तो ये शेड हो चुका है
थोड़ा इस तरीके से आपको जो दिख रहा है और आउटर में आपके फ्लावर्स दिख रहे हैं। अभी मुझे समझ नहीं आया था कि फ्लावर्स अच्छे भी लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी इसमें कलर करूँगी। देखते रहना वीडियो को पूरा लास्ट तक, तब आपको समझ आ जाएगा। अब हम अंदर की तरफ भी बना सकते हैं ऐसे, मैंने सेम कलर से कर दिया, बट आई थिंक इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से करती, येलो या कोई भी और, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बट इसको मैं और ज़्यादा उभारने के लिए इसको बाद में मैं ब्लैक कलर से डॉट डॉट से कवर कर दूँगी। वो शायद वीडियो में मेरा शूट नहीं हो पाया था तो मैंने नहीं दिखाया है। अभी आप लास्ट में देख लेना, ये पूरा इस तरीके से कम्प्लीट हो जाएंगे फ्लावर्स हमारे। अब लिया है मैंने गोल्डन कलर आउटलाइन करने के लिए, तो जहाँ पे ये हमने ग्लू गन से आउटर लाइंस की थी, वहाँ पे हम ब्लू जो भी हमारा मेटेलिक कलर्स होते हैं उससे हम कर लेंगे इसको पूरा कवर। तो अभी मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है, तो मैं गोल्डन कलर से करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर पैटर्न मैच करके आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये 3D थोड़ा अच्छा लगेगा और हमारे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत उभर के आएंगे और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। कई बार मेरी टंग स्लिप हो जाती है, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलने की अब आदत कम हो गई है। तो इसलिए आप, ये हमारा कवर हो चुका है इस तरीके से, और उसके बाद हम इसमें लीफ भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद आया कि ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने फिर से लीफ बना लिए ग्लू गन से। तो इसमें भी आप पैटर्न अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं लीफ का कोई भी। मैंने सिंपल सी लीफ यहाँ पे ड्रॉ की है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इसमें खाली जगह मुझे लग रही थी और ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे फ्लावर्स बिना लीफ के। तो यहाँ पे मैं सारी लीव्स बना लूँगी इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ग्लू गन परेशान कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, तो उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बार बार ये थ्रेड जो होते हैं ग्लू के वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे क्या है टेक्सचर हमारा ख़राब हो सकता है। तो आप जब भी इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो थ्रेड से निकले हुए होते हैं उनको नाइफ या उंगली से ही सारा रिमूव कर देना चाहिए, उसके बाद हमें कलर करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, जो आपका कलर है उसमें उतनी क्लीनिंग नहीं आएगी और वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अभी मैंने ग्रीन और येलो कलर लिया है लीफ के लिए। ये ठंडा हो चुका था, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ क्या है फिर ग्लू हटने लगता है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें शेडेड लीव्स बनाऊंगी और इसको पूरा कवर कर लेंगे हम। उसके बाद सारी लीव्स जब हो जाएंगी, तो सेम पैटर्न में हम उनको भी जो गोल्डन आउटलाइन से कवर करेंगे गोल्डन कलर से, तो वो लीव भी अलग से आपको नज़र आएंगी। तो अभी कर लेते हैं इसको कंप्लीट, तब तक आप कुछ खा पी लीजिए। बीच में कभी भूख लगने लगती है देखते देखते, या वीडियो बोर होने लगती है, तो मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट जल्दी जल्दी। अब लीव्स हो गई हैं कंप्लीट कलर से। अब उसके बाद हम इसमें जो हमारा आउटर बॉर्डर है लीव्स का, उसको भी गोल्डन कलर से हम कवर कर लेंगे। तो वो पार्ट भी मैंने इसमें शो नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो जल्दी से लीव कंप्लीट करने के बाद उसको कर लेते हैं गोल्डन। तो चलिए आगे का पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ब्लैक से डॉट डॉट भी कर दिए फ्लावर्स में। अब हम आउटर में टेक्सचर दे देंगे। तो ये मैंने ग्रे कलर बनाया था, तो ग्रे कलर से मैं इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर दूँगी जो आउटर में है, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। कहीं कहीं पे मेरा ग्रे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद मैं उसको वाइट से कवर कर दूँगी यहाँ पर इस तरीके से। और ये वाइट कवर से कलर करने के बाद पूरा टेक्सचर हो जाएगा हमारा कम्प्लीट। फिर मैं इसको करूँगी आपको शो। तो वीडियो हो गई है हमारी कंप्लीट, और ये हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।